आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हनिया वॉइस की तरह स्टोरी वीडियो का थंबनेल बनाना, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। और इसी तरीके का थंबनेल बना करके आप भी अपने स्टोरी वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज ला सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उस तरीके का थंबनेल बनाने के लिए आपको ओपन कर लेना है अपना प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है पिक्सल एडिटर कुछ इस तरीके से, तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। इसका लोगो और नेम देख लो और यही एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग इसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ से नीचे स्लाइड करेंगे, देख सकते हो नीचे में स्लाइड कर रहा, और चले आएंगे सबसे लास्ट वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आपको एक लास्ट में व्हाइट पार्ट दिखेगा, तो इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन मांग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ओके पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इमेज साइज, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये आपसे विड्थ एंड हाइट पूछेगा, तो सिंपली विड्थ वाले पे क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करके यहाँ पे आपको लिख लेना है 1920, और हाइट वाले पे डिलीट करके इसको लिख लेना है 1080, कुछ इस तरीके से। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करोगे तो आपका स्क्रीन साइज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्लस ऊपर दिख रहा है, प्लस वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो टेक्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो देख सकते हो आपके स्क्रीन पे ये न्यू टेक्स्ट लिख करके ये एक दिख रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए जिसका आप थंबनेल बनाना चाह रहे हो। तो हनिया वॉइस का एक बार थंबनेल मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से वो बनाती हैं, जो उनका स्टोरी होता है उनका जो हेडिंग वो लिखते हैं ब्लू कलर से लिखते हैं, देख सकते हो सच्ची मोहब्बत शादीशुदा लोगों के लिए एक बड़ी सीख, जो भी उनका हेडिंग है ब्लू कलर से है। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक स्टोरी होनी चाहिए। तो मैंने पहले से गूगल क्रोम पे एक स्टोरी ओपन करके रखा है और इस स्टोरी का हेडिंग है एहसास सच्ची मोहब्बत का। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है और वापस चलेंगे पिक्सल एप्लीकेशन पे। तो ये जो न्यू टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पर आपको डबल क्लिक करना है, दो बार जल्दी जल्दी क्लिक करना तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ये न्यू टेक्स्ट जो लिख रहा है इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम लोगों ने जो हेडिंग कॉपी करा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नीचे देख रहे हो ये एक्स्ट्रा गैप है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे कुछ इस तरीके से। डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर ओके का ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो हमारा जो हेडिंग है यहाँ पे आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे। अट्रैक्टिव बनाने के लिए नीचे आपको देखो यहाँ पे नीचे एक ए का ऑप्शन है, तो इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से स्लाइड करेंगे और इसका साइज हम लोग बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखोगे एक साइज का ऑप्शन है, तो साइज वाले पे क्लिक करेंगे और इसका साइज थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं। कुछ मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 77 के आसपास, आप अपने हिसाब से देख लेना। आपका जो भी हेडिंग है जिस हिसाब से आपको सही देखने में लग रहा है उस हिसाब से उसको कर लेना, क्योंकि हेडिंग सबका अलग अलग होगा। ठीक है, स्टोरी अलग होगी तो सबका हेडिंग भी अलग होगा। ओके, इतना करने के बाद मैं यहाँ से टिक वाले पे क्लिक कर देता हूँ। टिक वाले पे क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कलर का ऑप्शन, तो कलर वाले पे क्लिक करना और देख सकते हो इनका जो कलर है हेडिंग का वो ब्लू कलर का है, तो यहां से हम लोग इसमें ब्लू कलर को सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल मैं सेम टू सेम उसी तरीके का थंबनेल बनाना मैं आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे तो आज सिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और यहां से ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, देख सकते हो ये ब्लू कलर है, इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाले पे क्लिक कर देना है। ओके, तो देख सकते हो हमारा जो हेडिंग है ब्लू कलर का हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर एक बार क्लिक करना है और जाएंगे हम लोग माय फॉन्ट पे, क्योंकि इनका जो फॉन्ट है इन्होंने कस्टम फॉन्ट को यूज करा है। ठीक है, पिक्सल लैब में आपको पहले से नहीं मिलेगा, तो कस्टम फॉन्ट को कैसे ऐड करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया,
और यही वाला फॉन्ट भी उस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, और उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का फॉन्ट हम लोग यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे माई फॉन्ट पे क्लिक करोगे, ये वाले पे फॉन्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे माई फॉन्ट पे। ठीक है, माई फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो यात्रा वन रेगुलर जो फॉन्ट है उन्होंने ये वाला फॉन्ट को यूज करा है, तो इस पे एक बार हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ओके का ऑप्शन है, तो ओके पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो पहले फॉन्ट का स्टाइल कुछ और था, अब ये फॉन्ट बदल करके कुछ और स्टाइल में ये आ चुका है। इतना करने के बाद आपको साइड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देख सकते हो बी का एक ऑप्शन है, तो इस पे एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे एक बार क्लिक कर देना, तो ये बोल्ड कलर में हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ टिक वाले पे क्लिक कर देना है, तो हमारा जो हेडिंग था वो बन करके रेडी हो चुका है। अब इसको हम लोग ऊपर के तरीके से सेट कर देंगे, कुछ इस तरीके से उंगली रखेंगे इस पे और इसको जहां पे भी रखना है ले जाकर के यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन ये अभी बीचों बीच में एकदम से सेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको बीच बीच में सेट करने के लिए इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे इस साइड का, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है रिलेटिव पोजिशन, ये वाला ऑप्शन, इस पे एक बार आपको क्लिक करना है, और जो ऊपर का जो तीन एरो दिख रहा तो बीच वाले एरो पे हमको इस वाले पे एक बार क्लिक कर देना है। तो एक बार क्लिक करोगे तो ये बिल्कुल स्क्रीन के बीचों बीच में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली टिक वाले पे क्लिक कर देना है, तो देख सकते हो हमारी जो स्टोरी का हेडिंग है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम लोग डालेंगे इसमें स्टोरी का लाइन कुछ इस तरीके से, क्योंकि इनके थंबनेल में देखो ऊपर हेडिंग है और नीचे स्टोरी का लाइन भी है। ठीक है, तो यहां से मैं स्टोरी का लाइन भी कॉपी करता हूं, जहां पे मेरी स्टोरी है, आपकी जहां पे स्टोरी है वहां से आप उसके लाइन को कॉपी कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट लाइन को ही कॉपी करना है, आपको यहां से जो भी लाइन अपने स्टोरी थंबनेल पे रखना उस लाइन को आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको थंबनेल इसलिए बनाते हैं ताकि लोग उसमें कुछ ऐसा देखे और उस थंबनेल पे क्लिक करके हमारे वीडियो पे आ जाए, तो आपको कुछ ऐसा वर्ड वहां पे रखना है जिससे कि लोगों को लगे कि हाँ इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तभी लोग आपके वीडियोस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से मैं एज ए एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वाला लाइन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जल्दी से इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कुछ इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको इतना वर्ड गिन करके लेना है, आप अपने अंदाज से 10 लाइन कॉपी कर लेना। ठीक है, इतना सेलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो चुका है, और वापस जाएंगे अपने पिक्सल एप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद नीचे देखोगे ये टेक्स्ट का यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आपको ये टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको ऊपर देखो ये प्लस का जो ये ऑप्शन है प्लस पे क्लिक करना, प्लस पे क्लिक करोगे तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, तो इस पे एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो स्क्रीन पे न्यू टेक्स्ट लिख करके ये आ चुका है। ठीक है, तो ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा है इस पे दो बार जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम लोगों ने जो स्टोरी कॉपी करा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद देख लेना, ध्यान देना, यहाँ पे जो भी गैप्स वगैरह हैं उसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। डिलीट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे पढ़ा लिखा जो है एक साथ लिख दिया इसने। डिलीट करने के बाद सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना। ऊपर क्लिक करोगे तो देख सकते हो जो आपकी स्टोरी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हमको इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे सबसे पहले कलर। कलर देख सकते हो हनिया वॉइस का जो चैनल है उनका कलर में ये ब्लैक कलर का यूज करती हैं। ठीक है, थंबनेल पे ब्लैक कलर है इनका जो लाइन है स्टोरी का, तो हम लोग यहाँ से ब्लैक कलर को यूज कर लेंगे। ठीक है, कलर पे क्लिक करने के बाद ये ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक कर देना है, तो देख सकते हो ये ब्लैक कलर में ये आ चुका है। उसके बाद थोड़ा सा और इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो फॉन्ट वाले पे क्लिक करना है। फॉन्ट वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ चले आना है माई फॉन्ट पे। माई फॉन्ट पे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा मुक्ता बोल्ड, तो मुक्ता बोल्ड को सिलेक्ट कर लेना, ये भी आपको मिल जाएगा। ये कैसे फॉन्ट को ऐड करना है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो माई मुक्ता बोल्ड पे क्लिक करके आपको नीचे ओके वाले पे क्लिक कर लेना, तो देख सकते हो इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। ठीक है,
अब थोड़ा सा इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पे बी स्टाइल लिखा हुआ, यहाँ पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको ये सिंपली बी वाले पे क्लिक कर देना, सिलेक्ट करना और यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक कर देना। इतना करने के बाद थोड़ा सा और इधर स्क्रॉल करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एलाइन का, ये वाला ऑप्शन देख सकते हो। इस पे आपको एक बार क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये जो बीच में आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पे एक बार आपको क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बीचों बीच में सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली टिक वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आपका दिख रहा है टेक्स्ट स्क्रीन पे, इसको हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो बड़ा करने के लिए आप जो टेक्स्ट के साइड में ये देख रहे हो लाइन यहाँ पे, इस पे भी उंगली रख के आप इस तरीके से खींच सकते हो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो नीचे देखोगे, स्लाइड करोगे, आपको यहाँ पे साइज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो साइज वाले पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से माइनस करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, प्लस करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 56 के आसपास कुछ इस तरीके से रख लेता हूँ और इसको अपने उंगली की मदद से यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे टिक वाले पे क्लिक कर देना है और ये अभी भी स्क्रीन के बीचों बीच सेट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको रिलेटिव पोजिशन पे एक बार क्लिक करना है। ये नीचे देख लो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इतने सारे एरोस मिलेंगे, तो आपको जो ऊपर का ये तीन एरो दिख रहा है उसमें आपको ये बीच वाले पे क्लिक कर देना है। बीच वाले पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो बीचों बीच में सेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ टिक वाले पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो हमारा हेडिंग और जो टेक्स्ट है वो बन करके तैयार हो चुका है। लेकिन हनिया वॉइस अपने थंबनेल के पीछे एक फोटो भी डालती है, बैकग्राउंड फोटो भी डाल रही है, जैसे कि देख सकते हो सच्ची मोहब्बत है। मैं इसी पे अभी आपको सिखा रहा, क्योंकि ये जो बैकग्राउंड में जो आप इमेजेस वगैरह वाला देख रहे हो इसको बनाना थोड़ा सा टफ है। अगर आप बोलोगे तो इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर इस वाले वीडियो पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ गया तो मैं उस तरीके का वीडियो भी आपको बनाना, सॉरी उस तरीके का थंबनेल बनाना आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो उस तरीके का अगर ये सच्ची मोहब्बत वाले पे हम लोग अभी बना रहे हैं तो बैकग्राउंड का जो फोटो है वो कहाँ से लाएं? तो फोटो लाने के लिए हम लोगों को इसको बंद कर देना है और ओपन करना है आपको अपना क्रोम ब्राउजर। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ सिंपली सर्च वाले पे क्लिक करना है और आपको सर्च कर लेना एक वेबसाइट का नाम, जिसका नाम है पिक्सा बे, ये वाला वेबसाइट, इसका मीनिंग देख लो और आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन होगा, तो पिक्सा वे पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सर्च फॉर इमेजेस है, ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री वेबसाइट है, यहाँ से आप वीडियोस भी ले सकते हो और फोटोज भी ले सकते हो और अपने वीडियो में यूज कर सकते हो। यहाँ से आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोगों का जो स्टोरी का थंबनेल है वो एक सच्ची मोहब्बत पे है, तो उसी तरीके से हम लोगों को यहाँ से फोटो भी सर्च कर लेना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कपल्स, क्योंकि उसी तरीके का फोटो चाहिए। लिख करके यहाँ पे नीचे सर्च वाले पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो आपके सामने बहुत सारे फोटोस आ चुके हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है फोटो, यहाँ से आप एक फोटो को डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड करने के लिए एक फोटो को पहले आपको सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं ये सबसे फर्स्ट वाले फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपकी मर्जी है, आप कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फ्री डाउनलोड, तो फ्री डाउनलोड पे आपको एक बार क्लिक कर देना है और आपको जो भी यहाँ पे रिजोल्यूशन में फोटो चाहिए सिंपली आप उसको टिक कर दो एंड यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दो। तो देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है और ये फोटो हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। तो अब वापस चलेंगे हम लोग अपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन पे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर सबसे ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, तो आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है। फ्रॉम गैलरी पे जैसे ही क्लिक करोगे आपकी गैलरी यहां से ओपन हो जाएगी, ठीक है। और आपने जो फोटो डाउनलोड करा वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, तो उस फोटो पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद सिंपली आपको नीचे टिक वाले पे क्लिक कर देना है। टिक वाले पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे आपको एक ये दिख रहा है राउंड सर्किल, इस पे आपको उंगली रखना है और इसको कुछ इस तरीके से खींच करके जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपको इसको बीचों बीच में सेट करना है, तो बीचों बीच में सेट करने के लिए आपको ये नीचे थर्ड ऑप्शन पे देख रहे हो ये राउंड कलर से, इस पे एक बार आपको क्लिक करना है।
क्लिक करोगे तो इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्लिक करना है रिलेटिव पोजीशन पे, इस पे एक बार क्लिक करना और ऊपर का जो ये थर्ड थ्री एरो है इसके बीच वाले पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, तो ये आपका बीचों बीच में सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ टिक वाले पे क्लिक कर देना है। टिक वाले पे क्लिक करने के बाद अब आपको इसको अपने टेक्स्ट के पीछे भेजना है। आई होप अभी तक आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। तो इसको पीछे भेजने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे इस साइड का, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टू बैक, ये वाला ऑप्शन देख सकते हो। तो टू बैक वाले पे एक बार क्लिक कर देंगे तो हमारा जो फोटो है वो पीछे चला जाएगा और हमारा जो टेक्स्ट था वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अभी दिखना तो स्टार्ट हो गया लेकिन ये कुछ सही तरीके से नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको हम और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ओपेसिटी का, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख लो। ये वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करेंगे और ओपेसिटी को कम कर देंगे, तो देख सकते हो कम कर रहे हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है दिखना स्टार्ट हो रहा है। तो इसको कम करके हम लोग लगभग 30 के आसपास इसको रख लेंगे। आप अपने फोटो के हिसाब से उसको मैच कर लेना कि आपका कितना पे अच्छा लग रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको सिंपली टिक वाले पे क्लिक कर देना, तो देख सकते हो हमारा जो थंबनेल है वो बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है। सेम टू सेम बिल्कुल हनिया वॉइस की तरह हमारा थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हो ये सच्ची मोहब्बत वाला जो थंबनेल था मैंने इसी पे आपको बना करके दिखाया है। अगर आपको ये सब चाहिए कि उसके पीछे आपका फोटो दिखे, आपका चैनल का लोगो दिखे, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक एम मैं 200 रख रहा हूँ, तो आप लोग में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हो लाइक जरूर कर देना। जैसे ही 200 लाइक्स कंप्लीट हो गए मैं आपको इस तरीके का थंबनेल बनाना भी सिखा दूंगा, जैसे कि देख सकते हो बैकग्राउंड में फोटो वगैरह लगा हुआ है। तो अब वापस चलते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन पे और इसको एक्सपोर्ट कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर थ्री डॉट दिख रहा है, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो एक्सपोर्ट इमेज पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे डायमेंशन वाले पे देख रहे हो कस्टम लिखा हुआ है, इसको आपको एक बार यहाँ पे क्लिक करना है और इसको अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी पे नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये इमेज आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप इस इमेज को अपने स्टोरी वीडियो के थंबनेल में यूज कर सकते हो। और जिनको थंबनेल लगाना नहीं आता उनके लिए भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो आप वहां से जाकर के थंबनेल लगाने के लिए सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो पे।